हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में। विश्व भूगोल एक ऐसा विषय है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वह परीक्षा एसएससी, रेलवे या लोक सेवा आयोग की ही क्यों ना हो। और आज हम बात करेंगे अल्फ्रेड वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। अब हम देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने सन 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि आज वर्तमान के ये सभी सातों महाद्वीप किस प्रकार से एक संपूर्ण स्थलखंड का भाग थे और उन्होंने इस संपूर्ण स्थलखंड के भाग को पैंजिया के नाम से संबोधित किया। और यह पैंजिया चारों ओर जल के भाग से घिरा हुआ था और इस विशाल जल के भाग को वेगनर महोदय ने पैंथरासा के नाम से संबोधित किया। और यह पैंजिया लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिक पेरस युग के अंतिम समय में दो भागों में टूटा, या क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में टूटा। इसके टूटने के दो कारण थे, हम देखते हैं। पहला कारण, भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल। वर्तमान में भी सभी महाद्वीप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गति कर रहे हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उत्प्लावन बल इनके विभाजन का उत्तरदायी कारक था। दूसरा हम देखते हैं ज्वारीय बल, जो कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का परिणाम था। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया कि लारेशिया गोंडवानालैंड के टूटने से बीच में रिक्त स्थान में इस विशाल महासागर के जल के भर जाने से 33 भूसन्नत का निर्माण हुआ, जहां वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब हम बताएंगे कि यह गोंडवानालैंड किस प्रकार से टूट कर चार महाद्वीपों में विभाजित हुआ। यह गोंडवानालैंड क्रिटेशियस युग में बीच से टूटा, जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका चार महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और यह उत्तर का भाग लारेशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के रूप में टूटा और यह यूरेशिया पुनः विभाजित होकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और हम देखते हैं यह भारत, जो कि अतीत काल में भूमध्य रेखा पर स्थित था और भारतीय प्लेट आज भी 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। इस पैंजिया के विभाजन से वर्तमान के चार महासागरों की उत्पत्ति हुई, जिसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब हम आज के संदर्भ में हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सात महाद्वीपों की उत्पत्ति की बात किए। अगले विषय में हम एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, के बारे में बात करेंगे।